गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तीन चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मैं अरुणाचल के एकदम मिडल में पहुंच गया हूँ। आज का मेरा प्लान है हवाई नहीं तो वालोंग तक पहुंचने का, लेकिन अगर रास्ता खराब मिला तो वहां तक पहुंचना मुश्किल तो नहीं बोलूंगा लेकिन मशक्कत वाला काम हो जाएगा। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि भाई मैं आगे तक जाके वापस आ गया था और मुझे आगे जाने के लिए गाड़ियां ही नहीं मिली। आप लोगों को मेरी पुरानी अरुणाचल की ट्रिप तो याद होगी, उन वीडियोस में आप लोगों को याद होगा मैं एक ओतिक भाई से मिला था, जोन भाई से मिला था, हैंगिंग ब्रिज के ऊपर लेके गए थे, फिर मैं उनके गाँव में गया था। ओतिक भाई ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप ओतिक भाई के चैनल को देखिए और उनको भी सपोर्ट करिए क्योंकि वो भी हमारे अरुणाचल से ही है, वो रहते गाँव में ही है और वो कह रहे थे कि भाई साहब मैं अभी धीरे धीरे वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और कोई भी तूतिंग वाले साइड के एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता है तो डायरेक्टली ओतिक भाई से कांटेक्ट कर सकता है। ओतिक भाई के चैनल के लिंक और ओतिक भाई के जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं और जाइए अपने ओतिक भाई को सपोर्ट करिए। बाकी जो लोग चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन सभी को एक चीज के बारे में तो पता ही होगा, ये मैंने टोपी लगा रखी है ना, ये मेरा हेयर फॉल भाई आजकल है ना हर कोई, अरे दीपांशु भाई आपके बाल गिर रहे हैं, और आजकल जब भी फोन वोन पे बात करता हूँ मम्मी क्या बात है बाल वाल गिर रहे हैं क्या ध्यान नहीं दे रहा है क्या तो वगैरह वगैरह। अभी आपको पता है एक तो हेक्टिक लाइफस्टाइल है और ऊपर से मैंने कभी बालों के ऊपर इतना ध्यान व्यान दिया नहीं तो जो हेयर फॉल है ना मेरा काफी ज्यादा होने लग गया। फिर भाई आपको पता है जब आपके बाल जाते हैं उड़ती खेती तब आप सर्च करते हो और तब मेरे सामने आता है त्राया। फिर मैंने स्टार्ट किया त्राया का कस्टमाइज्ड हेयर ट्रीटमेंट प्लान और भाई मुझे तो अब ढंग से पता चल रहा है कि आपकी स्लीप आपकी न्यूट्रिशन आपका खाना आपका पानी आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है वो कारण हो सकते हैं आपके हेयर फॉल का। त्राया आपकी हेल्प करता है आपके हेयर फॉल की एग्जैक्ट प्रॉब्लम ढूंढने में और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पर आपकी ट्रीटमेंट चलेगी। तो जो लोग भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि त्राया हेल्थ पर जाइए और वहां पर जाकर एक फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। वहां पर जाकर आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चंस का आंसर देना है, जैसे ही आप इस टेस्ट को पूरा करेंगे आपके जो हेयर फॉल का मेन रीजन है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपके लिए जो कस्टमाइज्ड प्रिस्क्राइब्ड प्लान है उसको खरीद लीजिए। ये सब होने के बाद आपको एक डाइट प्लान भी मिलेगा और एक पर्सनल हेयर कोच जो आपको गाइड करेगा इस पूरे कोर्स के दौरान कि भी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हमें कई दवाइयां सूट नहीं करती लेकिन त्राया का जो ट्रीटमेंट है उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन, इधर सारे मेडिसिन ऑयल और शैम्पू सब दिया हुआ है और इधर मुझे कितनी बार करना है ये पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन है मेरा। और ये देखिए आप जैसे स्कैल्प ऑयल हो गया, डेंड्रफ थेरेपी बूस्टर ऑयल, ये किटाकोनाजोल लोशन, ये शैम्पू, ये हेयर विटामिन, ये बॉक्स आया था देखिए मेरा त्राया गुड हैबिट्स एंड रिवॉर्डिंग। अब यार मेरा लाइफस्टाइल है एकदम हेक्टिक, कभी आज इधर हूँ कभी उधर, कभी इस घाट का पानी पी रहा हूँ कभी उस घाट का पानी पी रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मेरा प्लान एकदम डिसाइड और उसके बाद ये सारे की सारी चीजें मेरे लिए प्रिस्क्राइब कर दी। तो आप लोग भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं त्राया.health पर जाइए और अपनी पूरी किट पर 10% ऑफ पाने के लिए DSTRAYA कोड को यूज करिए। अब आगे यहाँ से निकलने का टाइम, अगर ज्यादा टाइम लगाया तो मैं आगे जाने में लेट हो जाऊंगा। ये है हाइलोंग के सुबह सुबह के नजारे। रात को मैं उधर खाना खा के आया था, एक बार देख के अगर वो खुला होगा तो वहीं पे खा लूँगा, वहाँ पे रोटी वोटी मिल गई थी यार। जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था उस रेस्टोरेंट में सुबह सुबह तब मुझे पता चला कि यहाँ से इथू तक की कोई गाड़ी जाती नहीं है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से सुमोस जाती है जो आती है तेजू से हाइलोंग और हाइलोंग से सीधा उधर केबिथू, लेकिन अब वो सीन नहीं है। यहाँ से अगर आपको जाना है आपके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ही शाइकिंग ही बच जाता है। हाइलोंग से आगे आपको किसी भी सिम में नेटवर्क नहीं मिलेगा, आपके पास BSNL का सिम होनी चाहिए और BSNL वाला सीन आपको पता है जब मैं उधर तेजू में BSNL की सिम लेने गया था तो वहाँ पे मुझे मना कर दिया था, लेकिन लकीली वहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए, उन्होंने मुझे अपनी BSNL की सिम यदि वो मैं यूज कर पाऊंगा। और उसके अलावा आगे आपको ना तो किसी चीज का नेटवर्क मिलेगा ना आगे उधर आपको गाड़ियां वाड़ियां मिलेंगी, तो अब देखता हूं कि आगे का सीन कैसा होगा कैसा नहीं। और अब वापस से मैं दलाई रिवर को क्रॉस कर रहा हूं, आर्मी रिवर को क्रॉस करके एक जगह बैठूंगा और फिर वहां से आगे की जो मेरी जर्नी है उसको कंटिन्यू करूंगा। इधर कोई छोटा सा कैफे वैफे बना रखा है। हाइलोंग से मैं 20 से 25 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और अपनी जो आगे की जर्नी है केबिथू की तरफ की वो शुरू कर दी है। रास्ता ठीक बन चुका है, लैंडस्लाइड बहुत बड़े लेवल पे हुई है यहाँ पर। आज से 4-5 दिन पहले लगातार 10 से 20 दिन तक बारिश हुई थी, पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए थे दबा के लैंडस्लाइड। अभी आप देख सकते हो कि कुछ दिन पहले यहीं पर लैंडस्लाइड हुई थी उसके अवशेष टाइप में। ऊपर जो लाइट वाइट के खंभे वो सब टूट गए हैं। कैसे हो भाई साहब? इधर खाने पीने के लिए कहाँ मिलेगा कुछ? उधर दुकान है क्या? दुकान तो ये भी है और ये भी है दुकान। और किधर आगे भी है क्या कोई? आगे भी तो है, कैम है, कंपनी का कैम है, उधर भी खाना। कहाँ से है सर? मैं हरियाणा से हूँ भाई।
वो ऊपर भी बस्ती है क्या? लोग रहते हैं ऊपर? खेती करते हैं यार। ऊपर से नीचे आते कैसे हैं वो? एक दो दिन लग जाता है सर। वहाँ से नीचे आने में एक दिन लग जाएगा? वो लोग क्या क्या करते हैं, महीना महीने का रेशन लेके चला जाता है। महीने के फिर ऊपर ही रहते हैं वो? खेती करते हैं भाई। गजब जिंदगी है यार। जिंदगी वो लोग तो मस्त है। आप कहाँ से हो? सर बंगाल से। क्या मना से दादा? भालो आसे। चलो यार, नाइस टू मीट यू भाई। यहाँ पे एक बार कुछ थोड़ा मोटा खाने के लिए ले लेता हूँ, भूख लगी है थोड़ी सी। खाना तो खा चुका हूँ लेकिन चल लिया ना जाता थोड़ा। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। नमस्कार। कैसे? मेरी नानी जैसे हैं। आपको हिंदी आता है ना? इनको बोलिए कि मेरी नानी के भी दांत टूट गए हैं। आपके खाने में केक होगा? हाँ चलो, एक केक, दो केक दे दीजिए और एक लीची का जूस, और एक लीची का जूस इनके लिए, एक केक इनके लिए भी दे दीजिए। आप हेलो कैसे बोलता है मिश्मी में? नमस्कार कोई है, कुछ होता है क्या? क्या एक इनके दो दीजिए। हाँ तो ये चाहिए भाई। कहाँ जाएगा भाई? की भी तू ओह ना तुम भाई। हाँ, और एक केक और दे दीजिए इनको। नानी की याद आ गई यार इनको देख के। मैंने सोचा कोई नहीं, मैं नानी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके जाता हूँ, आज इनके लिए ले लिया मैंने। हिंदी नहीं आता आपको? नहीं आता ना इनको? चाय होगा आपके पास? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनके सुनाई भी नहीं देते। ओके बाय बाय। ओके थैंक यू, बाय बाय। ये बूढ़ी दादी मस्त थी यार। जब भी कोई बूढ़ा बूढ़ा दिखता है ना, मेरे को एकदम नानी की याद आ जाती है, हाथों हाथ। ये है पुराने वाला घर जिसके ऊपर यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी छत थी, लेकिन आजकल यहाँ पे लोग टिन की छत रखने लग गए हैं। एक छोटा सा गांव आया था और अब वापस से आगे के लिए निकल रहा हूँ। इस एरिया में पेड़ पौधे और पानी आपको दबा के मिलेगा यार, और पानी एकदम मस्त वाला, कतई ब्लू पानी, ब्लू एकदम। ये देखिए इधर, प्योर ग्लेशियर का पानी है ये। नहा के आपके सारे पाप धुल जाएंगे। रास्ते में कई ऐसे स्ट्रेच आते हैं जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ये, और कुछ दिन पहले रोड कटिंग और लैंडस्लाइड के कारण आप नीचे की हालत देख सकते हो। यहाँ पे नदी के उस पार लोग रह रहे हैं और उस साइड कोई रोड वोड भी नहीं है। मैं अब ये चक्कर में पड़ा हूँ कि लोग उधर जाते कैसे हैं। एक छोटा सा पुल तो दिखा था, छोटा सा ब्रिज। एक भाई ने तो एकदम ऊपर घर बना रखा है, कुछ घर इधर भी हैं। वहाँ से क्या तो व्यू आता होगा यार, नेक्स्ट लेवल स्टफ है। बाइक वाले भाई दोनों बाइकों के ऊपर कोई ना कोई बैठा था। ज़्यादातर यहाँ पे आपको बाइक भी है ना खाली नहीं मिलेंगी, कम से कम दो बंदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अकेला बंदा बाइक चला रहा हो तो भाई आगे तक भी छोड़ दे। और वैसे ही यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं, ना के बराबर। सुमो, मुझे लगता था कि आगे तक सुमो जाएंगे, वो चलते नहीं है। अब तक सारी चीज़ें सही चल रही थी, कोई पंगा नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे अपनी हाईलोंग से वालोंग तक की जर्नी पूरी कर रहा था, लेकिन एक जगह पर मैंने अपने गोप्रो की बैटरी चेंज की, और जब मैं बैटरी चेंज कर रहा था उस टाइम पर माइक का कनेक्शन बिगड़ गया। 2 या 3 घंटे तक जितनी भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की उन सब के अंदर वॉइस बिल्कुल भी नहीं है। मैं रोड पर चल रहा था और एक भाई साहब आते हैं पिकअप वाले, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। उस गाड़ी में ऑलरेडी 7 से 8 बंदे पहले से बैठे हुए थे जो आगे जा रहे थे, और फिर उनके साथ मैंने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट की। और ये जो जर्नी थी ना यार मेरी, मैं ये बोलूंगा मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट हिचहाइकिंग थी, क्योंकि इस जर्नी में जो लोग मिले मुझे वो इतने मस्त थे भाई, इतने मस्त थे। मेरे से बातें बातें कर रहे, हम उनके साथ गाना वाना गा रहे, अलग अलग बातें की। रास्ते में कभी एकदम रोड अच्छा आ जाता, फिर 2 मिनट बाद ही एकदम खराब रोड, कभी लैंडस्लाइड वाला रोड,
कभी उबड़ खाबड़ रोड, कभी एकदम सपाट रोड जो एकदम नया नया बना था, और कई जगह जो रोड नया नया बना था उसके ऊपर भी लैंडस्लाइड होने के कारण वो एकदम ख़राब हो गया। कई लोग रास्ते में गाने गाते हुए जा रहे थे, मैं भी उनके साथ गाना गा रहा था, पीछे बैकग्राउंड में कई जगह हिंदी गाने चल रहे थे तो हिंदी में गा रहा था, एक दो बार नेपाली गाने चले तो उनके साथ भाइयों के साथ मैं नेपाली सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस गाड़ी में जो मेरे साथ लोग चल रहे थे वो सारे के सारे ट्राइबल्स थे, लेकिन इस एरिया में नेपाली गाने काफ़ी फेमस है तो उनके साथ साथ मैं भी गाने लग गया। और हिंदी गाने भी है ना, अभी वाले नहीं चल रहे थे, मोस्टली वो 90s वाले गाने होते हैं जो आपने सुने होंगे। पता नहीं इस वाली हिच हाइकिंग के अंदर मेरे अलग से इमोशन सेट हो गए थे। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ मोमेंट आपके लिए बनी होती हैं, ऐसा लग रहा है कि इन वीडियोस की वॉइस जाने के पीछे वही सीन है कि ये चीज़ें सिर्फ मेरे मेमोरी में सीमित रह गई हैं। आपको दिख रहा होगा कि एकदम पिकअप के एंड में जो वो बंद करने वाला क्या बोलते हैं, हम तो शायद उसको डाला बोलते हैं, तो उस डाले के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं। तो हम चलते गए, इनमें से एक भाई साहब हैं जो गाना गाते जा रहे हैं और मस्त गा रहे थे यार, उनकी मस्त आवाज़ थी। इनमें से एक भाई साहब के साथ मैं मस्त गप्पे मार रहा हूँ, दूसरे भाई साहब के साथ मैं गाने गा रहा हूँ, तीसरे भाई साहब के साथ मैं उनकी और किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहा हूँ, पीछे से एक दो दीदी थी वो आपस में बात करी जा रही, एक भाई साहब लेटे हुए जा रहे थे। यार इस गाड़ी का जब माहौल था ना, मैं कह रहा हूँ ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट हिच हाइकिंग थी भाई, मज़े आ गए इस जर्नी में। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लोग उतरने स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग उतरते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद लोग उतरते हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उस पिकअप के अंदर मैं अकेला बंदा बच गया था जो पीछे था। फिर हम थोड़ा आगे पहुँचते हैं और वहीं तक ही वो पिकअप वाले भाई साहब जा रहे थे, तो यहाँ पर हम उतर गए। यहाँ पर जब हम वेट कर रहे थे तो एक और भाई साहब आते, वो अपना ट्रक लेके, लगभग 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा होगा, और फिर इन ट्रक वाले भाई साहब ने मुझे आगे वालों तक उतार दिया। रास्ते में 2 सवारी और थी, वो और कहीं पे उतर दी मेरे से पहले, और एंड में फिर उन भाई साहब ने मुझे वालों उतार दिया। लेकिन एक बात अच्छी पता है क्या हुई, ऐसा नहीं है कि सारी वीडियो में साउंड खत्म हो गई है, 10% ऐसी वीडियो थी जिनके अंदर साउंड थी। हाँ खत्म हो गया भाई, ओके बाय बाय। अब ये ऊपर लेके जाएंगे आप घर की तरफ, वो ऊपर वाला भाई ने ना पीछे से लकड़ियां डाली थी, पर अब ये भाई इस ब्रिज के थ्रू ऊपर तक लकड़ियां पैदल लेके जाएगा। वेलकम टू वालोंग भाई, मस्त लग रहा है ये तो। सामने देखो पहाड़ के ऊपर एकदम मस्त बर्फ जमी हुई है। अभी लगभग बॉर्डर के एरिया में पहुंच गए हैं ना, बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं ना। इस एरिया में आने के बाद जो यहाँ की वेजिटेशन है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। पहले आपने देखा होगा कि घना घना जंगल था, यहाँ पे घास ज्यादा हो गया है और पाइन ट्रीज आ गए हैं। सही है वालों, यहाँ पे होटल बहुत मिल जाएंगे ना। अच्छा वालों में आ गया हूँ, आगे नहीं जा रहा, बस एक बार खाना वाना खाऊंगा और एक होमस्टे में रुकूंगा। फिर ये है वालोंग, और वालोंग के एक गेस्ट हाउस में जा रहा हूँ मैं। ये है मेरा वालोंग का होमस्टे, होमस्टे काफ़ी तगड़ा है यार, इसका मतलब यहाँ पे टूरिस्ट ठीक ठाक आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट के ही आते हैं। होमस्टे का नाम है अनु निमाई, आपको मेरा रूम और दिखा देता हूँ। जो BSNL के सिम मैंने लिए थे ना वो ऑलमोस्ट यूजलेस साबित हो रही है, यहाँ से सिर्फ आप मैसेज ढंग से भेज सकते हो, और अगर आपके पास पुराने वाले फोन है ना वो 2G बटनों वाले वो फोन होंगे तो आपके सिम फिर भी ठीक से काम कर देगी, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो सिम आपके ढंग से काम नहीं करेगी, फिर चाहे वो एप्पल हो एंड्रॉयड हो कोई भी हो। ये सेम सीन मेरे साथ हो रहा है, नेटवर्क फुल दिखा रहा है लेकिन 20 से 30 बार कॉल मिलाओगे तो एक बार कॉल लगेगी और वो कॉल पूरी नहीं हुई, बीच में ड्रॉप हो जाएगी।
यहाँ पे आने के बाद टेक्नोलॉजी के मामले में आपको यूं लगेगा कि आप एकदम बहुत पुराने टाइम में जी रहे हो। और इसमें यार जो हमारी गवर्नमेंट ने इस एरिया को नेग्लेक्ट किया, गवर्नमेंट ही यार, सबने नेग्लेक्ट किया हमने, लेकिन कोई नहीं, अगर अब हम ध्यान देना स्टार्ट कर दें तो भी अच्छा है हमारे डिफेंस के लिए भी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के लिए भी, क्योंकि यहाँ से जो चाइना बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 35 किलोमीटर रह जाता है। बाकी अच्छी बात यह है कि अभी इस एरिया में जो एयरटेल और जियो है वो काफ़ी सर्वे कर रहे हैं। मैं एयरटेल और जियो की आप लोगों से बातें कर रहा था और साथ वाले रूम में ही एक इंजीनियर भाई साहब यहाँ पे सर्वे करने आए हुए हैं और उन्होंने बताया है कि एयरटेल अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1600 टावर इंस्टॉल करने वाला है। मैं यार ये तो बड़ी नेक्स्ट लेवल बात है। 1600 टावर अगर पूरे अरुणाचल में लगेंगे तो आप कनेक्टिविटी का देख सकते हो कि लगभग कनेक्टिविटी रिजोल्व हो जाएगी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अगर अब हो रहा है तो अच्छी बात है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, अब बहुत हो गया है, मेरे को थोड़ी बैटरी चार्ज करनी है, सोना भी है और कल सुबह मैं जल्दी सुबह उठते ही निकल जाऊंगा केबीथू की तरफ। केबीथू से थोड़ा रुकूंगा और फिर केबीथू से क्रॉस करके मैं पहुंच जाऊंगा कहो द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जहां से आप चाइना को देख सकते हो। आप ही मान लीजिए अब फर्स्ट एंड लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।